आइए साथ साथ मंत्रोच्चारण प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तीन बार परमपिता परमात्मा का पवित्र नाम ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे, उसके बाद गायत्री महामंत्र, फिर स्वाध्याय मंत्र, उसके बाद प्रार्थना मंत्र, तत्पश्चात आज की योग कथा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम लंबा गहरा श्वास लेकर श्वास को लय पूर्वक धीमी गति से छोड़ते हुए उसके साथ साथ ओम का उच्चारण भी तीन बार करेंगे। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पवन योग कथा के 71वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं को, आप सभी योग प्रेमी सज्जनों को, मुमुक्षु जनों को हृदय की गहराइयों से भाव भरा नमन, वंदन एवं सादर अभिनंदन। मित्रों, कई बार हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। हम किसी की कोई सहायता करते हैं या हमारे पास में कोई चीज आ जाती है या हमें कोई उपलब्धि होती है तो उस समय हमें ऐसा लगने लगता है कि इसके पीछे केवल केवल मैं जिम्मेवार हूं। मैंने कुछ पाया, मैंने कुछ किया, मैंने किसी को कुछ दिया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन मित्रों, हमें इस बात को कभी भी भूलने नहीं चाहिए कि किसी भी सफलता के पीछे हम स्वयं ही जिम्मेवार नहीं होते। हाँ, हम सफलता के प्रतिनिधि तो हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है, बहुत सारे लोगों की। कुछ की तो हम गिनती कर सकते हैं और बहुतों की गिनती नहीं कर सकते। इसको एक वाक्य में ऐसा भी कहा जा सकता है कि अनंत जीवात्माओं की सहायता से ही और परमात्मा की कृपा से ही हम किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। मैं इस बात को पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हमारे चाहने से हम
कुछ भी नहीं कर सकते। हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन कर्म हो या न हो यह ईश्वर के हाथ में होता है। यदि हमारी इच्छा ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुकूल हो तो उस अवस्था में वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, लेकिन यदि हमारी इच्छा ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के विरुद्ध हो तो उस अवस्था में कदापि वह संभव नहीं हो पाती। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम चाहेंगे कि आकाश में पक्षी की तरह उड़े, असंभव। हम चाहें कि एक साथ 20 माइल 30 माइल छलांग लगा दे, असंभव। एक सीमा है, सीमा के अंदर रह करके, उस प्रभु के न्याय व्यवस्था के अंदर रह करके हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध जाकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अतः यदि हमें जीवन में कोई सफलता मिल रही है तो उस समय हमें यह सोचना है कि इसमें प्रभु की भी भागीदारी है, और दूसरी बात, इसमें मैं केवल इस कार्य के लिए मैं प्रतिनिधि मात्र हूं। इसमें अनगिनत लोगों की सहभागिता है, इसमें अनेक अशा लोगों की भागीदारी है, इसलिए यह कार्य संभव हो पाया। उस समय भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने मुझे माध्यम बना दिया, प्रभु ने मुझे प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य दिया। लेकिन उस समय हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो फिर हम विनाश की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी बात, यदि हम किसी की भलाई के लिए तत्पर होते हैं तो उस अवस्था में हमारे मन में कोई अहंकार आता भी हो तो भी प्रभु हमें सद गति देता है, तो भी प्रभु हमें सच्चे राह की ओर बढ़ा देता है। कई बार हम दूसरों की भलाई के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद मन में अहंकार भी उत्पन्न होता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा सुयोग, कुछ ऐसा संयोग मिल जाता है कि हम पुनः संभल जाते हैं। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए सदा तैयार होता है, उस व्यक्ति को प्रभु किसी भी तरह से आगे बढ़ने के लिए सहायता पहुंचा देता है। आप सब लोगों ने संभवतः रामचरितमानस की वह कहानी, वह प्रसंग सुना होगा, जब भगवान श्री रामचंद्र मेघनाद के द्वारा नागपाश से बांधे जाते हैं, उस समय चारों ओर हाहाकार की स्थिति बन जाती है। लोगों को लगता है कि तो अनर्थ होने जा रहा है। रावण को मारने की ताकत, रावण को मारने की शक्ति किसी के हाथ में है तो केवल केवल प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ में है, लेकिन वह ही नागपाश में बंध गए तो अब क्या होगा। नारद जी को जैसे खबर मिल जाती है तो नारद जी तुरंत गरुड़ जी को कहते हैं, क्योंकि गरुड़ नाग का, सर्प का भक्षण करता है। गरुड़ को कहते हैं कि आप जाओ फौरन और श्री रामचंद्र भगवान को नागपाश से मुक्त कर दो। नारद जी के आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ तुरंत भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें नागपाश से मुक्त कर देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, उन्होंने जो भी एक संयोग मिल रहा था उस संयोग का पूरी तरह से लाभ उठाया। किसी की मदद करने की, किसी की सहायता करने की, किसी के लिए सहयोग पहुंचाने की,
जो अवस्था है, जो मौका है, जो परिस्थिति है, जो अवसर है, कभी कभी ही मिलता है। और जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं वे उस मौके का लाभ उठाते हैं, वे दूसरों की मदद करने से चूकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा अवसर बिरले ही मिल जाता है। उन्हें भी बहुत खुशी होती है, लेकिन तत्क्षण उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान श्री रामचंद्र का इतना ज्यादा गुणगान गाया जा रहा है, उनकी इतने सारी विशेषताएं बताई जा रही है, और कहा जा रहा है कि वे रावण का वध करेंगे, रावण का विनाश करेंगे, असुरों का नाश करेंगे, ऋषियों का उद्धार करेंगे, सज्जनों का त्राण करेंगे, दुष्टों का दहन करेंगे, लेकिन यह तो बात कुछ और ही निकल के आ रही है। अगर ऐसा है, या जिस श्री राम के विषय में मैंने ये बातें सुनी है वे श्री रामचंद्र अगर यही है, तो एक नागपाश को भी छुटा नहीं पाते, एक नागपाश के अंदर बंध जाते, ये क्या है? यानी कि मुझ में जो शक्ति है नागपाश को काटने की, वह शक्ति भी जिस व्यक्ति में ना हो, वह व्यक्ति इतने बड़ी जीत को कैसे हासिल करेंगे? उस व्यक्ति के ऊपर लोग इतने श्रद्धा क्यों कर रहे हैं? उस व्यक्ति के ऊपर लोग इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है। तुरंत पहुंच जाते हैं नारद जी के पास, पूछते हैं नारद जी से, मेरी शंका का समाधान कीजिए, अपनी शंका व्यक्त करते हैं। नारद जी समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति या यह पक्षी मोह से ग्रस्त है। मित्रों, मोह कहते हैं अविद्या के लिए, अविद्या मोह, यानी कि जब व्यक्ति के अंदर अविद्या का बादल छा जाता है, उस समय उसे जो दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं देता, उस समय उसे दिव्यता का आभास नहीं होता, उस समय उसे सामने वाले व्यक्ति की शक्ति महसूस नहीं हो पाती। नारद जी समझ जाते हैं, वे कहते हैं कि हे पक्षीराज, हे गरुड़, आपकी शंका का समाधान ब्रह्मा जी कर देंगे, आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। वे पहुंच जाते ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी से भी वही बातें होती है, वही शंका गरुड़ जी प्रस्तुत करते हैं, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि तुम्हें इस बात की पूरी पूरी जानकारी मिलेगी शंकर जी से, तुम जाइए शंकर जी के पास, क्योंकि भगवान श्री राम के विषय में मैं भी उतना नहीं जानता हूं जितना शंकर जी जानते हैं। कई बार मेरी भी बुद्धि भ्रमित होती है, लेकिन शंकर जी तुम्हें ठीक ठीक से बताएंगे। मन में संदेह था और पहले से सद प्रवृत्ति वाले तो थे ही गरुड़ जी, तो तुरंत शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं। मित्रों, जिसकी प्रवृत्ति अच्छी हो उसमें संदेह उत्पन्न होता है तो उसे समाधान भी अवश्य मिल जाता है, और जिसकी प्रवृत्ति बुरी हो तो उसके अंदर के अच्छे से अच्छे प्रश्न भी यूं ही रह जाते हैं। शंकर जी भी कहीं जा रहे थे, प्रसंग तो ऐसा है कि
कि वे कुबेर जी के पास जा रहे थे। तो फिर शंकर जी से जैसे बात होती है तो शंकर जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आपके अंदर जो संशय है उसका समाधान तभी हो पाएगा जब आपको एक लंबा सत्संग मिलेगा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा आपके अंदर का संशय नष्ट नहीं होगा। सत्संग, संतों का संग, सत प्रवृत्ति वालों का संग, संगत की महिमा हमारे सभी ऋषियों ने, हमारे सभी योगियों ने, हमारे सभी संतों ने, हमारे सभी साधुओं ने, हमारे सभी मुनियों ने गाई है। भगवान बुद्ध तो यहां तक कहते हैं, जिस तरह से जंगल में गैंडा अकेले ही चलता है, भले ही तुम भी अकेले ही चलना, लेकिन गलत आदमी की संगत कभी मत करना, क्योंकि आदमी की बर्बादी की कहानी कुछ संगत से ही शुरू होती है। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, यदि हम बर्फ के पास में बैठेंगे तो शरीर में ठंडापन आ ही जाएगा, अग्नि के पास बैठेंगे तो शरीर तपेगा ही तपेगा, शरीर का तापक्रम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से संतों का संग जब मिल जाता है, सज्जनों का संग जब मिल जाता है, उस अवस्था में हमारी बुद्धि पर छाई हुई मलिनता, हमारे बुद्धि पर छाई हुई पर्दा हट जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बुद्धि के ऊपर कितनी मोटी पर्दा चढ़ी हुई है। जब दो चार लोग हमारी प्रशंसा करने लग जाते हैं, जब लोग हमारी शक्ति की तारीफ करने लग जाते हैं, हमारी प्रतिभा का सम्मान करने लग जाते हैं, तो हम मोह में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी अज्ञानता बची है। ठीक उसी तरह से जब तक शरीर में कोई रोग उभर कर ना आए, तब तक एक व्यक्ति अपने आहार विहार आचार विचार को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन डॉक्टर पहले से समझ जाता है कि जैसे ही व्यक्ति के आहार विहार आचार विचार बिगड़ने लग जाता है, तो समझ जाता है कि यह रोगी होगा ही होगा, पहले सावधान करता है। लेकिन कोई सलाह ले तब ना, डॉक्टर के पास तो लोग तभी पहुंच जाते हैं जब रोग उभर कर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से लोग संतों के पास में तब तक नहीं जाते जब तक जीवन में बहुत बड़ा कष्ट ना आ जाए, जब तक उनके अंदर के जो दुख है वह चरम स्थिति में ना पहुंचे। वे परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो विनम्र भाव से सत्संग का सेवन करते हैं, जो संतों का संग करते हैं, सत्पुरुषों का संग करते हैं, क्योंकि सत्संग से बुद्धि की मलिनता हट जाती है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सत्संग से यदि व्यक्ति का दुख कम होता हो तो फिर प्रारब्ध क्या है, क्योंकि कहा जाता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का फल तो भुगतना ही भुगतना है, प्रारब्ध जैसा है उसे भुगतना ही भुगतना है, तो फिर सत्संग क्यों चाहिए, जो होना है होकर रहेगा। ऐसे जिज्ञासा लेकर एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंच जाता है। संत उसके हाथ में ईंट पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि आप जो है, उनके बगल में एक भवन था 4 मंजिल ऊंचा, वो कहते हैं कि इस भवन के टॉप फ्लोर में जाओ और वहां से इस ईंट को छोड़ दो मेरे सिर के ऊपर। वो व्यक्ति कहता है कि महाराज
मेरे से पाप कर्म मत कराइए। वो पूछते हैं, क्यों, क्या बात है? वो कहता है कि अगर मैं 4 मंजिल ऊपर से इस ईंट को छोड़ दूं, आपका सिर फट जाएगा, आपकी मौत तुरंत हो जाएगी, वह पाप मेरे सिर पर चढ़ जाएगा, मैं इतने बड़ी गलती नहीं कर सकता हूं। संत कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि यदि इस ईंट के तौल के बराबर मैं कपास आपको दे दूं और उस कपास की गठरी यदि आप 4 मंजिल ऊपर से मेरे सिर के ऊपर छोड़ दोगे, तो क्या तब भी मेरे सिर फट जाएगा? वो कहता है कि नहीं महाराज, ये तो नहीं, तब तो नहीं फटेगा। वो कहते हैं कि सत्संग की महिमा यही है। सत्संग में आने से प्रारब्ध नहीं कटेगा, प्रारब्ध को तो भुगतना ही भुगतना है, लेकिन उसका जो पेस है, उसकी जो गति है, वह कम हो जाती है। दूसरी बात, प्रारब्ध जो है वो भी पीछे हमारे द्वारा किए गए कर्म ही तो है। आगे होने वाले जो पाप कर्म होंगे, उन कर्मों से हम बच जाएंगे, इसीलिए सत्संग में जाना होगा। शंकर जी भी गरुड़ जी को कह रहे हैं, तुम्हारे बुद्धि के ऊपर जो मलिनता छाई हुई है, जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है, उस विक्षेप को दूर करने के लिए तुम्हें लंबे सत्संग की आवश्यकता है। मित्रों, 3 प्रकार के मल होते हैं। शरीर की गंदगी को मल ही कहते हैं, मन की जो गंदगी है उसको विक्षेप कहते हैं ऋषियों की भाषा में, योग की भाषा में, और आत्मा के ऊपर जो गंदगी आ जाती है, वैसे आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, आत्मा स्वभावतः शुद्ध है, लेकिन उसके ऊपर भी गंदगी चढ़ जाती है, उसको आवरण कहते हैं। मल विक्षेप और आवरण, ये तीनों को हटाने का माध्यम सत्संग है। यानी कि जैसे हम सत्संग में जाते हैं, हमें विद्या की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर की अविद्या क्षीणता को प्राप्त होती है। आप लोगों ने योग कथा के पिछले एपिसोड में कई बार सुन चुके हैं कि अविद्या सभी क्लेशों की जननी है। वैसे हम क्लेश 5 प्रकार के बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, लेकिन जो अविद्या को छोड़कर अन्य क्लेश हैं, वे सभी अविद्या के ही संतान हैं। यदि अविद्या हट जाती है तो क्लेश हट जाते हैं, क्लेश हट जाते हैं तो बुद्धि निर्मलता को प्राप्त होती है, ऋतम भरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, और उस अवस्था में हमारा प्रत्येक व्यवहार सही से होने लगता है, सम्यक होने लगता है। और जब व्यवहार सम्यक हो तो उस अवस्था में दुख उत्पन्न हो असंभव। दुख क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति या वस्तु के वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। आग से हम बचे रहते क्यों? क्योंकि हमें पता है आग में हाथ डालते हैं तो आग जला देती है ना? तैरना नहीं जानते हैं तो हम नदी के अंदर घुसते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बिना तैरना सीखे हुए नदी के अंदर घुस जाते हैं तो मौत हो सकती है। हो सकती है क्या? निश्चित रूप में होगी, इसलिए हम घुसते नहीं। लेकिन कई बार हम अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और बाद में हम कहते हैं कि अरे मैं तो ये समझ रहा था ये व्यक्ति ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कैसे निकल आया? हम दुखी हो जाते हैं, भूलते हैं कि हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्यों? उस व्यक्ति के कारण से? नहीं, हम स्वयं के कारण से। हमारे अंदर उस व्यक्ति को पहचानने की क्षमता जागृत नहीं हुई, उस व्यक्ति की स्थिति का सही सही बोध हमें नहीं हुआ, सम्यक बोध नहीं हुआ। जिस भी व्यक्ति या वस्तु का, या इसको एक ही शब्द में कहो तो जिस भी पदार्थ का, जितने अधिक डायमेंशन का हमें ज्ञान होता है, उतने ही हम उसके साथ सम्यक व्यवहार कर पाएंगे। और
जैसे ही सम्यक व्यवहार होगा तो कभी भी दुख उत्पन्न ही नहीं होगा, लेकिन यदि सम्यक व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो दुख होगा। कहने का आशय कि हमें पहले सम्यक ज्ञान चाहिए, जिसको हम विद्या कहते हैं योग की भाषा में, तो उस विद्या की प्राप्ति के लिए सत्संग परम आवश्यक है। इसलिए शंकर जी गरुड़ जी को कहते हैं कि आपको लंबे सत्संग की आवश्यकता है, गरुड़ जी आप जाइए काक भुसुंडी जी के पास में, वे निरंतर सत्संग में लगे रहते हैं, आप उनके सत्संग का सेवन कीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपकी मन की शंकाएं हैं वो पूरी तरह से निवृत्त हो जाएंगी, आपके अंदर का संदेह मिट जाएगा। गरुड़ जी पहुंच जाते हैं काक भुसुंडी जी के पास में। वैसे गरुड़ जी का भी बहुत बड़ा नाम था, सब लोगों ने बड़ा आदर सत्कार के साथ गरुड़ जी का स्वागत अभिनंदन किया, और कुछ समय रहने के बाद गरुड़ जी के अंदर का जो संदेह था वह मिट जाता है। लेकिन उसी क्रम में वे सात प्रश्न पूछते हैं काक भुसुंडी जी से। सप्त प्रश्न कहते हैं उसे, बहुत महत्वपूर्ण सात प्रश्न है, और मैं समझता हूं वे सात प्रश्न आप हम सभी के जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। उन सात प्रश्नों का सही सही उत्तर यदि हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं तो हमें भी जीवन जीने की कला का ज्ञान हो जाएगा, और हम भी निरंतर उन्नति की ओर बढ़ सकेंगे, निरंतर हम चेतना के उच्चतर स्तर का आरोहण कर सकेंगे, हम उन्नत ज्ञान के साथ जीवन जी सकेंगे। पूछते हैं गरुड़ जी, उन्हीं प्रेम बोले उ खगराओ, जो कृपाल मोही ऊपर भाओ, नाथ मोही निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। कहते हैं कि हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, पहला प्रश्न, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा सुख कौन है, और आगे पूछते हैं, संत असंत मरम तुम जान हो, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखान हो, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अघ परम कराला। चौथा प्रश्न पूछते हैं, संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर पांचवा प्रश्न कहते हैं कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है, और छठा प्रश्न, सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। अब अंतिम प्रश्न पूछते हैं, मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाधिकारी, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। अंतिम प्रश्न जैसे ही गरुड़ जी पूछते हैं कि मानस रोग क्या है उनके विषय में बताइए, तो जब उनके सात प्रश्न सुनते हैं
तो काय भूषण जी कहते हैं कि हितार्थ अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न का उत्तर देते। पहला प्रश्न था, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? नरतन समानाहि कवनिउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति शुभदेनि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, इसलिए इस शरीर को आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्। इस शरीर के द्वारा ही हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस शरीर के द्वारा ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अन्य जितने भी भोग योनियां हैं, मनुष्यतर योनियों को भोग योनि कहते हैं। भोग योनियों में जो शरीर मिलता है उस शरीर से मुक्ति असंभव है, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद यदि व्यक्ति चाहे तो आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हर कोई कर सकता है मुक्ति, इस बात को ध्यान से सुनिए। कई लोगों को लगता है कि मेरे जीवन के बहुत सारे समय निकल चुके हैं, अब कैसे मिलेंगे? नहीं मित्रों, जब जगे तब सवेरा। जब भी आपके अंदर यह विश्वास हो जाए कि यह शरीर मुझे मुक्ति के लिए मिला हुआ है, मुझे इस शरीर में रहते हुए साधना करनी है, इस शरीर में रहते हुए मुझे तप साध्या ध्यान करना है, और लोग कहते हैं ना, या करेंगे या मरेंगे, मैं कहता हूं करेंगे तभी मरेंगे। तो जैसे हमारे अंदर विचार जग जाएगा कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा तभी मरूंगा, जैसे यह भाव जग जाएगा, तुरंत व्यक्ति मुक्ति की ओर अग्रसरित होने लग जाता है, उसकी तरफ वो बढ़ने लग जाता है। तो मित्रों, मनुष्य शरीर में जो भी है, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे बालावस्था में हो, चाहे युवावस्था में हो, चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, कभी भी मुक्ति की संभावना खत्म नहीं होती। किसी भी समय व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ सकता है, बस उसके अंदर उस ओर बढ़ने का प्यास जगना चाहिए, उस ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता जगनी चाहिए, संकल्प जगना चाहिए, बढ़ सकेगा। लेकिन एक गजब की बात आप लोगों को सुना दो, अधिकतर लोग जो मुक्ति की बातें करते हैं, वो मुक्ति नहीं चाहते। वो चाहते क्या? सम्मान। वे चाहते क्या? धन। वे चाहते क्या? फौज, भीड़ भाड़। क्यों? क्योंकि उनको इसकी सीमा का ज्ञान ही नहीं, अविद्या से ग्रस्त है। वे वस्त्र में उलझे हुए हैं, वे पता नहीं किस किस में, कोई किसी पंथ में, कोई किसी संप्रदाय में, कोई कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मुझे पहले अपने पंथ का, अपने संप्रदाय का, इसका उद्धार करना है, इसको आगे बढ़ाना है, मुझे खुद को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करना है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि ये सब कुछ है, उसे पता ही नहीं ये चीजें कब अंत हो जाए। मुझे परसों एक विशेष जानकारी मिली, एक मेरे मित्र आए थे जो कभी मेरे साथ पढ़ा करते थे। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि एक जो मेरा कंपटीटर होता था, सोहल लाल नाम था उसका, बहुत ब्रिलियंट लड़का था, बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, बहुत स्वाध्यायशील था, दर्शन आदि शास्त्रों में भी उसकी बहुत अच्छी गति थी। जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो प्रथम स्थान तो मेरा ही होता था, लेकिन द्वितीय स्थान में सदा वही रहता था। मेरे नजदीक नजदीक कोई पहुंचता था तो सोनलाल था, और बहुत मेहनती व्यक्ति था, बहुत मेहनती। पता चला कि पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद किसी
इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हुए, फिर उसके बाद शादी ब्याह हुई, और एक दिन जैसे ही वे अपने कार्य क्षेत्र से घर की ओर चल दिए, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी में और भी कई लोग बैठते हैं, वो सबसे पीछे वाले सीट में बैठते हैं, पीछे से कोई ट्रक आता है, ट्रक आकर के एकदम टक्कर देता है और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। ऐसे एक मित्र थे बालाजी करके, महाराष्ट्र के, वो भी बहुत जहनदार विद्यार्थियों में से थे, उनकी भी कुछ इसी प्रकार से मृत्यु हुई। तो मित्रों, यदि व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, मुझे तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्ति के लिए जीना है, व्यक्ति सोचे कि मुझे बड़ी नौकरी पाने के लिए जीना है, मुझे खूब धन संपत्ति इकट्ठा करने, मुझे खूब अच्छे परिवार बनाना है, लेकिन बना भी लेगा, लेकिन किस समय उसकी मौत होगी, किस समय उसे मौत गले लगाएगी, पता नहीं होता। इसलिए हमें जीवन का लक्ष्य नौकरी या ऊंची ऊंची डिग्रियां या घर परिवार आदि इत्यादि प्राप्ति करने ये नहीं बनाना है। ठीक है, ये भी करना है, नौकरी भी करनी है, आपको डिग्रियां भी प्राप्त करनी है, देश दुनिया का भ्रमण भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए मुक्ति। आपको वो प्रत्येक कार्य करना है जो मुक्ति के लिए सहयोगी हो, वो एक भी काम नहीं करना है जो मुक्ति से अलग हो। प्रत्येक कार्य को करते हुए आपको ईश्वर के प्रति और अधिक अनुरक्त होते चलना है, ईश्वर के साथ और अधिक लगाव रखते चलना है, उसके साथ और अधिक जुड़ाव रखते चलना है। आपके अंदर की श्रद्धा, आपके अंदर की भक्ति, आपके अंदर की अनुरक्ति, आपके अंदर का प्रेम और अधिक मजबूत होता जाए और अधिक प्रगाढ़ होता जाए, तब तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ होगा और जो होना चाहिए वो नहीं होगा। और यदि इस जीवन में हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर मित्रों बहुत बड़ा अनर्थ होगा। इसके लिए हमारे ऋषि कहते हैं महती विनष्टि, महती विनष्टि, महती विनष्टि, बहुत बड़ा नाश होगा, क्योंकि पुनः मनुष्य जन्म कब मिले। सामने आई थी कि करीब करीब 32 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति को दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है, यानी कि पूरे धरती में से कितने लोगों को, 30-40 लोगों को दोबारा मनुष्य जन्म मिलने की संभावना है। कहने का मतलब मनुष्य जन्म मिल जाए तुरंत ही, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। और यहां काकभूषण जी भी कह रहे हैं कि नरतन समनई कवनियु देही, जीव चराचर जाचत देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुवदेनी। वे कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। यह मनुष्य शरीर है जिसको हम परम दिव्य बना सकते हैं, और कोई भी प्राणी मनुष्य को छोड़ करके वह अपने को दिव्य नहीं बना सकेंगे। ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत रह करके जो भी भोग करना है बस उतना ही भोग कर सकेंगे, बाकी वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर सकेंगे, हम हमारे अंदर के अनंत शक्तियों को जागृत कर सकेंगे और हम समाधि को प्राप्त कर सकेंगे, हम ईश्वर साक्षात्कार कर सकेंगे। कितनी बड़ी चीज है मित्रों, ये कोई केवल किसी की कल्पना मात्र नहीं है, हमारे ऋषियों ने इसकी पूरी प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया के द्वारा हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा कि योग ही उस प्रक्रिया का नाम है, लेकिन कई लोग योग का मतलब कुछ आसन लगाना, कुछ प्राणायाम करना या आंखें बंद करके बैठना इतना समझते हैं, वो नहीं। योग का मतलब जिसके द्वारा साक्षात्कार हो जाए,
योग का मतलब समाधि, योग है समाधि। योग का मतलब जिसके द्वारा हम अपने अंदर की समस्त संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं, वह विधि, वह पद्धति, वह प्रक्रिया। तो मित्रों, काक भुशुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर से बढ़कर कोई भी दुर्लभ शरीर नहीं है। आगे कहते हैं, सो तनु धरी हरि भजई न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, काच किरीच बदले तेले ही करते डारी परस मनी देही। बड़े अद्भुत बात कह रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, ईश्वर का भजन नहीं करते, ईश्वर का सुमिरन नहीं करते, ईश्वर का नाम जप नहीं करते, और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। विषय कहते हैं, जैसे आंखों का विषय रूप, जीवा का विषय रस, कानों का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श, ये है विषय, नासिका का विषय गंध। यानी कि हमें निरंतर मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, हमें निरंतर परम रस की ओर बढ़ना है, हमें निरंतर शब्द की ओर नहीं, हमें निरंतर नाद की ओर बढ़ना है। ये कान नाद को सुनने के लिए है, सामान्य शब्द को सुनने के लिए नहीं है। ये जीवा परम रस की प्राप्ति के लिए है, ये त्वचा दिव्य स्पर्श की प्राप्ति के लिए है। योग सूत्र के अंदर बताया गया है कि कैसे कैसे हम दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य ध्वनि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मित्रों, व्यक्ति यह शरीर मिलने के बावजूद भी उसकी ओर न जा करके सामान्य विषयों की ओर भाग रहा है, कीड़े मकोड़े जिन चीजों की ओर अग्रसरित होते हैं उन चीजों की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब वे क्या कर रहे हैं पता है? काच किरीच बदले तेले ही करते डारी परस मनी देही। वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। यह समझने वाली बात है। आप हम सभी पारस मणि को हाथ से फेंक रहे हैं और बदले में कांच के टुकड़े भी ले रहे हैं। पारस मणि क्या है? समय, जीवन का समय। हम अपने समय को लगा किसके लिए रहे हैं? बस कांच के टुकड़े के लिए, कुछ धन संपत्ति को अर्जित करने के लिए। कांच का टुकड़ा यहां पर एक सिंबल है, जैसे रामकृष्ण परमहंस कामिनी और कांचन शब्द का प्रयोग करते थे, ऐसे ही रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी कांच के टुकड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वही समय है जिसका प्रयोग करके हम हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य को मिटा सकते हैं। लेकिन हम उस समय को लगा किसके लिए रहे हैं? कुछ धन की प्राप्ति के लिए, कुछ यश की प्राप्ति के लिए, यानी कि लोकेशणा, वित्तेशणा, पुत्रेशणा, उसके प्राप्ति के लिए, अनित्य चीजों की प्राप्ति के लिए हम इस अमूल्य पारस मणि के तुल्य जो समय है, जो जीवन है, उसका खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं मिल रहा है। और आगे कहते हैं, बड़े गजब की बात कहते हैं, दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर, चौथे प्रश्न का, तीनों का उत्तर एक साथ देते हैं। दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? और तीसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? और चौथा प्रश्न था, संत और असंत में भेद क्या है? कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। कहते हैं, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। दरिद्रता यहां पर समझने वाली बात है। दरिद्रता धन की दरिद्रता भी है, विचारों की दरिद्रता भी है, शील की दरिद्रता भी है, आचरण की दरिद्रता भी है, लेकिन उससे भी बड़ी दरिद्रता जिसे कहा है ऋषियों ने, वह है
जो चीज अपने पास में है उन चीजों को ना देखना, जो चीज अपने पास नहीं है उनको ढूंढने के लिए ना छोड़ना, उसी का नाम दरिद्रता है। रोज बस उस चीज को ढूंढ रहे जो नहीं है, और रोज उस चीज को भुला रहे जो चीज अपने पास में है, इसी का नाम दरिद्रता है। हमारे पास कितना अमूल्य समय है, इसका बोध होना चाहिए। व्यक्ति रो रहा है मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, व्यक्ति रो रहा है मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यक्ति रो रहा है इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, व्यक्ति रो रहा है अलग अलग चीजों के लिए, बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, बिजनेस व्यक्ति रो रहा है कि बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करे, कैसे शुरू करे, व्यक्ति रो रहा है कैसे सस्ता बनाए, आदि आदि। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि उसके पास में क्या है, उसके पास में जो समय है उसके द्वारा वो जो चीज पाना चाहता है वो तो बहुत तुच्छ चीज है, उससे बहुत अमूल्य चीज वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। फिर आगे कहते सुख क्या है, तुलसीदास जी काकभुसुंड जी के वचन को लिपिबद्ध कर रहे, कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। कहते हैं कि संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। संत कहते हैं उसे है जो सुख देने वाला होता है, संत कहते हैं उसे है जो उत्कृष्ट स्वभाव वाला होता है, संत कहते ही उसे है जो आपको भी अपने स्वभाव में अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए मदद कर देता है, वो होता है संत। संत वेशभूषा है, संत स्वभाव है, और ऐसे संत का मिलना जगत में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी सुखदाई है। ऐसा संत मिल गया तो व्यक्ति का जीवन सुखी होगा, व्यक्ति हर चीज में सुख देखने लगेगा, हर चीज में आनंद की प्राप्ति करने लगेगा, व्यक्ति को पता चल जाएगा कैसे जीवन जीना है। अगर संत ना हो तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे जीवन जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे जगना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे दिन को व्यतीत करना है। संत जीवंत होता है, संत भगवंत होता है, संत आप हम सबके लिए एक आदर्श होता है, संत हम सबको सदगति की ओर ले चलने वाला होता है। किसी संत का साथ मिले और सदगति ना हो, असंभव। यदि संत के संग में हम रह रहे हैं और हमें सद्बुद्धि उत्पन्न ना हो रही हो, इसका मतलब वह संत संत नहीं, वह वेशभूषा वाला संत है। संत के संग में सद्बुद्धि जगेगी, सद्बुद्धि जगने से सदगति मिलेगी, यह ऋषियों का मंतव्य है। आगे काकभुसुंडी जी कहते हैं, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कहते कि हे पक्षराज, गरुड़ जी को कह रहे हैं, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संतों का सहज स्वभाव क्या है? मन वचन और शरीर से परोपकार करना। मित्रों, कर्म तीन ही साधनों से होता है, या तो शरीर से, या वचन से वाणी से, या मन से, काय से वाचा से और मन से। ये तीन तरीके से, तीन साधनों से हम कर्म कर रहे होते हैं, और संत ये तीनों का प्रयोग परोपकार के लिए करते हैं। ये उनका सहज स्वभाव है, सहज स्वभाव, जैसे पानी का सहज स्वभाव नीचे की ओर बह जाना, आग का सहज स्वभाव ऊपर की ओर उठ जाना, ऊपर अपने मूल सूरज की ओर आकर्षित हो जाना,
ऐसे सेब आदि जो फल होते उनका सहज स्वभाव अपने जो मूल है जमीन उसकी ओर चले जाना। मित्रों, संत का सहज स्वभाव है मन से, वाणी से और काहे से, शरीर से परोपकार करना, निरंतर परोपकार में रत रहना। परापकार एक पल के लिए भी न करना, यह संतों का सहज स्वभाव है। आगे और स्पष्ट करते हैं, अभी चौथे प्रश्न का उत्तर चल रहा है। चौथा प्रश्न था, संत और असंत का भेद क्या है, उनका सहज स्वभाव क्या है। पहले बता दिया संत का सहज स्वभाव क्या है, अब आगे और कह रहे हैं। संत सहि दुख परहित लागी, पर दुख है तो असंत भरागी। भुर जतरु सम संत कृपाला, परहित नीति सा विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दोनों दुख सहन कर रहे होते हैं। बल्कि संत जितने दुख सहन कर रहा होता है, असंत उससे भी अधिक दुख का सहन कर रहा होता है, लेकिन वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों की हानि नुकसान के लिए दुख का सहन कर रहा होता है, और संत परोपकार के लिए दुख सहन कर रहा होता है। संत जगत हित के लिए कार्य कर रहा होता है, लेकिन असंत केवल 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 अपने अंदर की ऐषणाओं की पूर्ति के लिए, ऐषणाओं की तृप्ति के लिए, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इसके लिए जी रहा होता है। भले ही बातें बड़ी ऊंची ऊंची करे, लेकिन जो इन चीजों में फंसा रहता है वो संत नहीं हो सकता, वो असंत ही होता है। संत अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को क्षीण करने के लिए जी रहा होता है, और असंत उन्हें बढ़ावा देने में लगा होता है। पूरी उम्र निकलने की होती है, लेकिन काम और बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ मोह कभी कम ही नहीं होते। बात सुनेंगे उसकी तो ऐसा लगेगा कि उसके अंदर की सारी चीजें नष्ट हो गई हो, लेकिन निरंतर बढ़ रही होती है। यह असंत का लक्षण है। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। जैसे भोज के वृक्ष में लिखते भी हैं हम लोग, और भोज के वृक्ष से बहुत सारे जो है उससे सहायता ली जा सकती है, लेकिन वृक्ष कभी भी मना नहीं करता। तो ऐसे ये भारी विपत्ति सहते संत भी, मतलब भोज के वृक्ष से खाल तक निकाल लेते हैं तब भी उसमें पत्ते आने से कभी भी रुकता नहीं। उसका पूरा खाल, उसके बाहर के छिलके पूरा निकालने के बावजूद भी उसमें नए नए पत्ते आते रहते हैं। ये संतों का भी स्वभाव होता है। संत को दूसरा व्यक्ति चाहे कितने भी हानि नुकसानी क्यों न पहुंचाए, वह इस धरती का अंतिम व्यक्ति होता है जो उसे, उस व्यक्ति को जो दुख भी देता हो उसके साथ निभाने का। संत का अंत तो जैसे ही होगा तो फिर भगवंत अनंत की प्राप्ति होगी। संत से होते हुए हम अनंत तक पहुंच सकते हैं। मित्रों आगे कहते हैं, सनई बखला पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ परोपकारी, अहि मूषकहि वसुनुर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपने खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। असंत जो होते हैं दूसरों को अपने वाणी से, अपने मन से, अपने काय से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कहीं पर भी जरा सा भी शिष्ट नहीं होते,
कब वो क्या कर बैठे कुछ पता नहीं होता। एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक सुंदर सी महिला एयरक्राफ्ट के अंदर प्रवेश करती है और जहां पर उनका सीट था जाकर के जैसे बैठने लगती है, देखती है कि उनके बगल वाले सीट पे एक अपंग व्यक्ति बैठा हुआ है जिनका दोनों हाथ नहीं है, एकदम ऐसे बैठा हुआ है वहीं पर। जैसे वो देखती है तो एकदम वो सीट से मुड़ आती है और तुरंत एयर होस्टेस से पूछती है कि मेरे को कोई दूसरी सीट दे सकते हैं क्या आप। एयर होस्टेस पूछते हैं कि क्यों, क्या बात हो गई। कहती कि नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर सकती। वह व्यक्ति सुनता है लेकिन चुपचाप बैठा रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। फिर उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती, सारे लोग एकदम उसकी बात की ओर गौर करने लगते हैं। उतने में एयर होस्टेस कहती है कि इधर तो कहीं पर भी कोई सीट वैकेंट नहीं दिखाई दे रहा है, मैं एक बार पायलट से बात करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। उतने में वह पायलट के कैबिन से होकर के बाहर निकल के आ जाती है और कहती है एयर होस्टेस कि बहुत सौभाग्य की बात है कि अंदर या उसमें ही पायलट के कैबिन में एक सीट है, एक सीट खाली है, तो उस शिफ्ट पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इतना कहते ही वह एकदम खुश हो जाती है, तुरंत वो बोलती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एयर होस्टेस को कहती है। लेकिन एयर होस्टेस कहती है कि सॉरी, आपको तो यही सीट मिलेगा, आपको ये दूसरा सीट नहीं मिलेगा, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति है उनको हमने अंदर बिठाने का निर्णय लिया है, क्योंकि एक अशिष्ट व्यक्ति के साथ, एक असंत के साथ यात्रा करके उन्हें मानसिक कष्ट भोगना न पड़े, इसलिए हमने उनको अंदर पायलट के कैबिन में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। जैसे ही एयर होस्टेस इस बात को कहती है, पूरे जो क्राफ्ट के अंदर जितने भी लोग सुन रहे थे उनकी बातें, सारे लोग खड़े होकर के ताली बजाने लगते हैं। उतने में मित्रों वह व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है जिनके दोनों हाथ कटे हुए थे। वह व्यक्ति सबकी ओर अपने मुख को करके कहता है कि मैं आप सभी का आभारी हूं और मैं पहले मौन था लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ बातें करनी है, क्योंकि मैं भी इन सभ्य महिला की तरह दोनों हाथों से युक्त था, लेकिन मैं फौजी हूं और बॉर्डर पे जब आतंकवादियों से मेरा मुठभेद हुआ, उससे मेरे दोनों हाथ चले गए, दोनों हाथ में गोली लगी थी और इसलिए मेरी ये स्थिति है। लेकिन मैं मने मने सोच रहा था, जब ये बात कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों की खातिर मैंने अपने दोनों हाथ गुमाए, जिन लोगों के खातिर मैं सीमाओं पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहा, आज वह व्यक्ति मुझे इस नजरिए से देख रही है, मुझे दुत्कार रही है, मुझे पश्चाताप होने लगा था कि मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की, क्यों मैंने कोई दूसरा प्रोफेशन चूज नहीं किया। लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने ये बातें रखी और आप सब लोगों ने अपनी सहमति दी, मुझे लगा मैं जो भी ड्यूटी निभा रहा हूं या मैंने जिस भी प्रोफेशन में ड्यूटी किया, मैंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैं आज भी उन लोगों के बीच में हूं जहां चाहे एक अशिष्ट क्यों ना हो लेकिन इतने सारे पचासों लोग, सैकड़ों लोग शिष्ट हैं और सब लोग भावना को प्रधानता देते हैं, सब लोग अच्छे दृष्टि को प्रधानता देते हैं। इसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप सब लोगों पर मुझे गर्व है, आप सब लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। जैसे वह व्यक्ति इस बात को कहता है, बहुत सारे लोगों की आंखें
नम हो जाती है, आंखों में नमी छा जाती है और वह महिला शर्म के मारे अपने आंखें नीचे झुका कर बैठ जाती है। तो मित्रों, संत वो होता है जो दूसरे को, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से क्यों ना हो, दूसरों के विषय में कभी गलत नहीं सोचता, दूसरों के प्रति संवेदनशील होता है, दूसरों के प्रति सदा उपकार भरा दृष्टि से देखता है। वह सदा दूसरों की कैसे मैं सहायता कर सकता हूं इस विषय में ही चिंतन करता है। लेकिन जो असंत होता है, दूसरों से मैं कैसे सहायता ले सकता हूं, सदा यही सोचता है। याद रखिए इस बात को, संत सदा दूसरों को मैं कैसे सहायता पहुंचा सकता हूं इस विषय का चिंतन करता है, और असंत सदा दूसरों से मुझे कैसे लाभ मिले, क्या करके मैं दूसरों से लाभ उठा सकता हूं, बस इतना ही सोचता रहता है। और यहां पर भी काकभूषण जी कह रहे हैं कि जो दुष्ट है बिना किसी स्वार्थ के, सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। अब जैसे चूहे कपड़े को काटते हैं, अब चूहे न तो कपड़े को खाता है लेकिन काट रहा है, दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहा है और खुद भी भूखा ही पड़ा रहता है ना। ऐसे ही सांप भी दूसरे को डस लेता है, लेकिन दूसरे को डसने से सांप का पेट थोड़ी भर जाता है। कोई इंसान के खून पी करके या दूसरे किसी जानवर के खून पी करके सांप थोड़ी जिंदा रहता है, लेकिन ये उनका स्वभाव है, सहज स्वभाव है। ऐसे ही होते हैं असंत। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहि, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह के हेतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का विद्ये उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। जो चौथा प्रश्न था गरुड़ जी का, संत और असंत के बीच जो भेद है, वह भेद बताने के बाद फिर पांचवें प्रश्न, जो श्रुतियों में प्रसिद्ध महान पुण्य क्या है और भयंकर पाप क्या है, पांचवें और छठे प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर काकभूषण जी देने लगते हैं। वे पहले कहते हैं कि संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वस्तुतः संत चंदन के वृक्ष की भांति होते हैं, जैसे चंदन के वृक्ष में कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी कितने भी क्यों न मारे, फिर भी जो है चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी में भी अपने सुगंध को छोड़ देता है, और कुल्हाड़ी जो है चंदन के वृक्ष को काटेगा भी और खुद फिर किसमें तड़प जाएगा, फिर उसको आग के अंदर प्रवेश करना होगा। क्यों? उसका धार जो है थोड़ा सा तीखा नहीं होता, उसके धार में तीखापन कम हो जाता है। कहने का मतलब, संत चंदन के वृक्ष की भांति होते हैं और जो असंत है वे कुल्हाड़ी की भांति होते हैं। आगे ये बता रहे हैं कि वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। वैसे महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम अंग यम के अंदर सबसे पहले अहिंसा को स्वीकारा है, और जितने भी भारतवर्ष के अंदर विकसित धर्म संप्रदाय हैं, जितने भी मत पंथ हैं, सभी ने अहिंसा को स्वीकारा है। वैसे इस धरती पर जितने भी धर्म दर्शन संस्कृति संप्रदाय परंपरा है, सबने अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया है। अहिंसा परम धर्म, सबने अहिंसा को परम धर्म दिया है और वेदों में भी अहिंसा को परम धर्म माना गया है, ऐसा
कौन कह रहे हैं? काक भुशुंड जी किसे बता रहे हैं? गरुड़ जी को। और कहते हैं कि पर निंदा सम अघन गरीसा, पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। यहां पर एक बात समझने की है, पर निंदा किसको कहते हैं? निंदा दूसरों की अकारण आलोचना करना, इसे निंदा कहते हैं। कह दिया किसी के भी व्यक्तित्व चाहे कितना भी ऊंचा हो, एक मिनट में उसके व्यक्तित्व को एकदम नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, बोल दिया अरे वो तो ऐसे ही, बिना सोचे समझे, दूसरों के गुणों को देखे बगैर दूसरों के दोषों का वर्णन करने लगना, यह निंदा है। और दूसरी बात, हम किसी के दोषों की चर्चा किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो यह भी निंदा है, लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति के दोष की चर्चा उस व्यक्ति के साथ ही करते हैं और उस व्यक्ति में सुधार आ जाए इस भाव से करते हैं तो उसे निंदा नहीं कहेंगे। निंदा दूसरों की उन्नति, प्रगति, समृद्धि आदि को देख करके ईर्ष्या के वशीभूत होकर के हम कर लेते हैं। दूसरी बात, कई बार हम दूसरों के लाभ हानि का विचार किए बगैर भी दूसरों के विषय में यूं ही बोल पड़ते हैं, ईर्ष्या तो नहीं लेकिन यूं ही कुछ का कुछ बोल दिया, उसको कहते हैं निंदा। इसलिए कहा जा रहा है कि परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। आगे कहते हैं, हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावत न सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। कहते हैं कि ईश्वर की और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है, एक गजब की बात है। मित्रों, ये जो जितने भी योनियां दिखाई देती है, मनुष्यतर योनियां, जो भोग योनियां है, ये भी तो कर्मों के ही परिणाम है। मनुष्य जिस जिस तरह के कर्म करता है तो उसके पाप कर्म अनंत प्रकार के होते हैं, मनुष्य की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में नहीं। तो अनंत प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं उन पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रकार की योनियां मिलती है। तो कौन से कर्म के परिणाम स्वरूप कौन सी योनि मिल जाए, यह भी हमारे प्राचीन साहित्य में कुछ तो वर्णित है लेकिन सभी योनियों का वर्णन नहीं है। यहां पर तुलसीदास जी एक विशेष वर्णन कर रहे हैं कि जो ईश्वर की और गुरु की निंदा करने वाला होता है, ईश्वर की निंदा करने वाले जो नास्तिक होते हैं और गुरु की निंदा करने वाले मनुष्य, गुरु जिनसे ज्ञान मिला, गुरु जिनसे निरंतर ऊपर उठने की प्रेरणा मिली, जिनके सानिध्य में रहने से हमारे अंदर का जो ज्ञान है उसका स्तर उन्नत होता हो, ऐसे गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। यानी कि जो मेढक है वे सारे के सारे पिछले जन्म के नास्तिक और गुरु की निंदा करने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। और वह हजार जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है, हजार जन्म तक। यानी कि मेढक के बाद तुरंत फिर मनुष्य नहीं होगा या दूसरे योनि में भी नहीं जाएगा, ये कह रहे कि हजार जन्म तक मेढक का शरीर पाता है। ऐसे ही द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, ब्राह्मण कहते हैं जो द्विज होते हैं, जो वेदों के अध्ययन अध्यापन करने वाले लोग होते हैं, जो ब्रह्म को नित्य ध्यान वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर, क्योंकि पौराणिक साहित्य में कई प्रकार के नरक की बात कही गई है, लेकिन अपने वैदिक परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में कई प्रकार के नरक की बात नहीं कही जाती, क्योंकि नरक वैसे स्थिति किसी स्थान विशेष का नाम न होकर के स्थिति विशेष, परिस्थिति विशेष है।
है, ऐसा महर्षि दयानंद ने स्वीकार किया है। और वैसे तो परिस्थितियां भी, दुख भोगने वाली परिस्थितियां भी कई प्रकार की होती है, सैकड़ों प्रकार की, हजारों प्रकार की होती है। तो ये कह सकते हैं कि जो ऐसे ब्राह्मणों की निंदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौए का शरीर धारण करके जन्म लेता है, ऐसा कह रहे। कौए, तो कौआ भी कैसे बना? कौआ बना पीछे जो वेदज्ञ है, जो ऋषियों के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, है ना, जो परोपकारी है, जो सत्यनिष्ठ है, ऐसे व्यक्ति की निंदा जो करता रहा। और उसने बहुत सारे ऐसे नारकीय परिस्थितियां भुगतने के बाद जन्म लिया है, ऐसा समझना चाहिए कौए के देखकर भी। ये बात कही जा रही है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परही ते प्राणी, होहि उलूक संत निंदारत, मोहनि सा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं, मतलब जो देव कहते हैं, जो देने वाले होते हैं, देव कहते हैं जो विद्वान होते हैं, उनकी निंदा करने वाले और वेदों की जो निंदा करने वाले होते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। रौरव नरक, नरक का ही एक प्रकार, जिसका पौराणिक साहित्य में वर्णन मिलता है, वैदिक साहित्य में ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। और संतों की निंदा में लगे हुए लोग, जो संत है, जो उपकारी व्यक्ति है, जो परोपकारी है, ऐसे व्यक्ति की जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, वही उल्लू होते हैं। उल्लू कौन होता है? जो जिस समय, मतलब दिन में भी जो आंखें ना देखता हो, उल्लू है। कौन है? जो दिन में भी आंखें ना देखता हो, उल्लू है। यानी कि जो प्रकाश में भी जिसे दिखाई ना पड़ता हो, दूसरे के अंदर ढेर सारे सद्गुण होते हुए जो ना देखता हो, उल्लू है। और जो व्यक्ति संतों की निंदा करता है, वो उल्लू हो जाता है। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है, ऐसा कहते हैं। और आगे कहते हैं, सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होए अवतरही। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। अब देखो, चमगादड़ जो सबकी निंदा, कई लोग होते हैं, आप बातचीत करने के लिए शुरू करो, बोले कि अरे वो तो ऐसे व्यक्ति, बोले हाँ बिल्कुल वो तो ऐसा ही है ना, उसके बुराई करने शुरू कर देंगे। किसी के भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, जिससे कुछ लेना देना भी ना हो, बस उसके साथ भी शुरू कर देंगे। वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं, ऐसा काकभूषण जी कह रहे हैं। हितात, अब आगे वो कहते हैं, सातवां प्रश्न था गरुड़ जी का कि मानस रोग के विषय में बताइए। मानस रोग ये भी बहुत अद्भुत है और ये भी आप हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। तो आगे कहते हैं काकभूषुंडी जी, सुनहु तातब मानस रोगा, जिनते दुख पावहिं सब लोगा। कहते कि हितात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ पारा, क्रोध पित्त नित छति जरा। मित्रों, यहां पर जो वर्णन काकभूषण जी के द्वारा जो है, उनके उनके वचनों के रूप में तुलसीदास जी कर रहे हैं, यही वर्णन आयुर्वेद के शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। ये आयुर्वेदोक्त वर्णन है। सब रोगों की जड़ मोह है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। और यही बात योग दर्शन भी स्वीकारता है, जो है अविद्या आदि जो है, यही क्लेश के मूल है ना। और यही ये बात बताई जा रही है कि सब रोगों की जड़ मोह, यानी कि अविद्या, अविद्या मोह, अविद्या ही है, अज्ञान है। और आगे कहते हैं, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जो विविध प्रकार के क्लेश है। काम वात है, देखिए जो हमारे अंदर काम का भाव जगता है, वो वात है। और विशेष एक गजब की बात आप लोग
के लिए बता दूं, जो व्यक्ति जितना अधिक कामुक प्रवृत्ति का होता है वह उतने ही अधिक वात से संबद्ध समस्याओं से ग्रसित होता है। और आयुर्वेद साहित्य में, योग साहित्य में जो है 80 प्रकार के वात रोगों की बात कही गई है। फिर लोभ अपार बढ़ा हुआ काफी है। जो जो व्यक्ति लोभी होता है उसमें कफ से संबद्ध शिकायत होते हैं। अब ये आप लोग परीक्षण करके देख भी सकते हैं। और जो व्यक्ति क्रोधी होता है, जिसमें बहुत क्रोध होता है, वह व्यक्ति पित्त के विकार से ग्रस्त होता है और वो हमेशा तड़पता रहता है, उसके छाती या पित्त जलाता रहता है। प्रीति करहिं जौं तिनि उ भाई, उपजई सन्न्य पात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई, कौन, वात पित्त और कफ, प्रीति कर ले यानी कि मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन नहीं जानता, अर्थात वे अपार हैं। कितने ही प्रकार की हम कामना करते हैं, कभी सोचते कि ये हो जाए, कभी सोचते वो हो जाए, कभी सोचते ये मिल जाए, कभी सोचते वो मिल जाए। ये वस्तुतः है क्या? ये वस्तुतः जो हम में सन्निपात है, बस उसका ही परिणाम है। हमारे अंदर के जो लोभ है, काम है, लोभ है और क्रोध है, काम, लोभ और क्रोध। लोभ, क्रोध और मोह शब्द का प्रयोग किया है महर्षि पतंजलि ने। लोभ क्रोध मोह पूर्व का ऐसा शब्द वहां पर आया हुआ है कि लोभ क्रोध और मोह के कारण अनंत अज्ञान और अनंत दुख की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, लोभ क्रोध मोह पूर्व का ज्ञान अनंत फला है ना। कहते हैं कि लोभ क्रोध और मोह से अनंत अज्ञान और अनंत दुख मिलता है। ऐसे कृष्ण भी गीता के अंदर कहते हैं कि ये जो है किसके द्वार है, नरक के द्वार है ना। तो यही बात यहां पर भी कह रहे हैं। ये जो वात पित्त कफ है, ये तीनों क्या है वस्तुतः? काम है, फिर लोभ है और पित्त है, सॉरी, काम है, लोभ है और क्रोध है। और ये तीन जैसे ही हमारे अंदर बहुत जकड़ जाता है तो बहुत सारी चीजें, कभी ये चाहेंगे, कभी वो चाहेंगे, कभी पता नहीं कितने कामनाएं, कितनी कामनाएं, कामनाएं पूरी होती भी है लेकिन बड़े मुश्किल से एक कामना पूरी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी शांत नहीं होते, फिर दूसरी कामना के लिए लग जाएंगे, फिर तीसरी कामना के लिए, फिर चौथी कामना के लिए, इस तरह से हम लगे रहते हैं। तो ये सभी सन्निपात के ही परिणाम है। और ऐसे कितने प्रकार के रोग हैं, सन्निपात कितने हैं? ममता दादू कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गर्ह बहुताई, पर सुख देखी जरानी सोई छाई, कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, जिनमें दाद की समस्या है उनमें ममता बहुत ज्यादा होती है। ईर्ष्या, डाह, खुजली है, किसमें खुजली की समस्या है तो वो व्यक्ति ईर्ष्यालु है निश्चित रूप में। मैंने सैकड़ों लोगों के ऊपर ये केस स्टडी करके भी देखा हूं, आप लोग भी करके देख सकते हैं। और हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, जैसे गले के रोग में गलगंड होता है, कंठमाला होता है, घेगा आदि रोग होते हैं। ये सभी क्या है, कभी व्यक्ति एकदम हर्ष में है, कभी विषाद में है, जो अप्स डाउन जिसके जीवन में है उन लोगों में गले की रोग बहुत ज्यादा पाई जाती है। और पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, दूसरे को सुखी देख करके जो निरंतर जल रहा होता है, उसको योग में क्या कहते हैं, मात्सर्य कहते हैं। जिसके अंदर ऐसा मात्सर्य भाव हो वह व्यक्ति क्षय रोग से ग्रस्त होता है। क्षय रोग वही है जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीवी कहते हैं आजकल। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। यदि कोई व्यक्ति कोढ़
कोढ़ी है, किसी में कोढ़ है, तो इसका मतलब दुष्टता है उसमें और मन की कुटिलता है। हमारे गांव में कोई व्यक्ति दुष्ट हो तो या कोई कुटिल हो तो उसको होगा बाद में, और सचमुच में वो होते हुए देखा जाता है, होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रवृत्ति को सुधारता नहीं तो उसमें होना स्वाभाविक है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आप लोगों के सम्मुख कहना चाहता हूं कि ये जो भी बातें हम कर रहे हैं इसके आधार पर हमें किसी भी रोगी को घृणा नहीं करनी है, रोग को घृणा करनी है और व्यक्ति को सद्मार्ग की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करनी है। किसी को भी तिरस्कार नहीं करना है, किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी है। ऐसे ही आगे कहते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण तिजारी। कहते कि अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरु रोग है, यानी कि किसी को ये जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गठिया आदि है, तो क्या है, अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति प्राय जितने भी आपको गठिया रोग वाले होते हैं वो अहंकारी मिलेंगे प्राय, है ना। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए एक रोगों के कई तरह के कारण बताया गया है, उनमें से एक कारण जिसको मेटाफिजिकल कॉजेशन कहते हैं, जिसमें वो होता है, क्यों होता है ये तो पता नहीं, लेकिन मेटाफिजिकल कॉजेशन एग्जिस्ट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जो व्यक्ति जितने अधिक घमंडी होगा उसके घुटने उतने ही अधिक टाइट होंगे, है ना। और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में कोई समस्या बहुत लंबे समय से सुलझ ना रही हो तो उसको बीपी हाई होगा ही होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अंदर से प्रेम का अभाव महसूस करता हो, चाहे माता पिता के प्रेम का अभाव हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का अभाव हो, पति पत्नी के प्रेम का अभाव हो, या बच्चों के प्रेम का अभाव हो, या किसी के भी, या प्रभु के प्रेम का अभाव महसूस करता हो, जो भी प्रेम का अभाव महसूस करता है उसका बीपी लो होता है। ऐसे सारे रोगों का मेटाफिजिकल कॉजेशन भी वैज्ञानिकों ने ढूंढकर निकाला है। क्यों होता है ये पता नहीं, लेकिन होता है इतना पता है। ऐसे ही यहां पर भी ये बातें कही जा रही है कि दंभ कपट मद और मान नहरुआ रोग है। नहरुआ मतलब नॉप्स, नसों का रोग है। ऐसे आगे कहते हैं कि तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। यदि किसी को जलोदर हुआ है तो इसका मतलब उसमें तृष्णा है। आप लोगों ने देखे होंगे जलोदर के पेशेंट, और वैसे भी जनरली जिसमें तृष्णा अधिक होती है उसका उदर बड़ा होता है। और आगे कहते हैं कि तीन प्रकार, यानी कि पुत्र धन और मान, पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा, कि जो प्रबल इच्छाएं हैं वे प्रबल तिजारी है, ये भी एक प्रकार का रोग है। जोग विधि ज्वर मत सर विवेका, कहां लगे रोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। मत्सर यानी कि अकारण दूसरों की उन्नति को देख करके, दूसरों के सुख को देख करके डाह उत्पन्न होना, गलत को अलग अलग करने की शक्ति, अलग अलग करने की क्षमता, अलग अलग करने की जो है कुशलता, अलग अलग करने की शक्ति, अलग अलग करने की प्रवृत्ति, उसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक न होना उसको बोलते हैं अविवेक। ये दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहा तक हो। मित्रों, ये ज्वर जो है, अनेक प्रकार के ज्वर का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र के अंदर आया हुआ है। जितना लंबा चौड़ा वर्णन ज्वर का है आयुर्वेद शास्त्र में, उतना किसी भी डिजीज का नहीं है। और ज्वर के निदान भी इतना व्यापक बताया है। तो ये ज्वर क्या है, वस्तुतः मत्सर और अविवेक के ही अलग अलग जो है, कोई बेटे कोई पोते कोई पोती कोई जो है क्या क्या है, बस यही सारे के सारे इसके ही है। आगे कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि
पीड़ ही संतत जीव कहूं सो किमि लहै समाधि। अब योग की बात यहां करके जुड़ जाती है, एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशा में वह समाधि को कैसे प्राप्त करे। मित्रों, जब आदि और व्याधि की समाप्ति होगी तभी समाधि की प्राप्ति होगी। आदि व्याधि और उपाधि की समाप्ति जैसे होगी तभी समाधि की प्राप्ति होगी, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं जैसे समाधि की प्राप्ति होगी वैसे ही आदि व्याधि और उपाधि सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये रहेंगे तो समाधि नहीं लगेगी, जब तक समाधि नहीं लगेगी तब तक ये रहेंगे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन्ह नहीं रोग जाहि हरि जान। कहते हैं नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां है, औषधि कई प्रकार की बताई गई है। आयुर्वेद शास्त्र में कई प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग होता है, जांतव द्रव्यों का प्रयोग होता है, वानस्पतिक द्रव्यों का प्रयोग होता है, खनिज द्रव्यों का प्रयोग होता है। जैसे खनिज द्रव्य में आते हैं आपके विविध प्रकार के धातुएं, जल भी खनिज द्रव्य में आता है। फिर ऐसे ही वानस्पतिक द्रव्य में विविध प्रकार के हरड़ आंवला बेहड़ा आदि जितने भी वनस्पतियों से संबद्ध द्रव्य है। फिर ऐसे ही जांतव द्रव्य में दूध दही घी मक्खन आदि इत्यादि है ना। इनके अतिरिक्त आयुर्वेद शास्त्र में आचार रसायन की भी बात कही गई है, और ऐसे ही आचार रसायन के अंतर्गत जप दान यज्ञ आदि इत्यादि की बात कही गई है, सद्वृत्त की बातें कही गई है। तो मित्रों, ऐसे औषधियां आयुर्वेद शास्त्र में बहुत प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कागभूषण जी कि हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। गजब की बात, इतने सारे उपाय बताए हैं तब भी रोग नहीं जाते, क्योंकि ये रोग जो जाते हैं यानी कि जो मानस रोग है वो जाते हैं समाधि से। जब तक समाधि नहीं होगी तब तक ये सारे के सारे रोग नहीं जाते। अब आगे बोलते हैं, ये विधि सकल जीव जग रोगी शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी मानस रोग कछु कमहिं गाए हई सबके लखी बिरल न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं। मित्रों, इस दुनिया में, इस जग में दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो रोगी है या योगी है। कोई रोगी हो सकता है या योगी हो सकता है, रोगी वो नहीं है जो योगी है। रोग की समाप्ति तब होगी जब व्यक्ति योगी बन जाता हो, जब व्यक्ति जीवन मुक्त बन जाता हो, व्यक्ति जब स्वयं में स्थित हो जाता हो। इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। स्वस्थ किसको कहा गया, स्वस्मिन तिष्ठति इति। स्वस्थ जो स्वयं में स्थित हो उसको बोलते हैं स्वस्थ, और स्वयं में स्थित कौन होता है, योगी। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम कब होगा, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, और इसी का नाम क्या है, योगः समाधि। महर्षि व्यास कहते हैं समाधि ही योग है, योग ही समाधि है। समाधि, और तुलसीदास जी भी वही बात कह रहे हैं कि समाधि लगेगी तभी आदि व्याधि और उपाधि से छुटकारा मिल जाएगी। आगे कहते हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले। हर व्यक्ति मानस रोग से ग्रस्त है, इसीलिए ये सिगमंड फ्रेड भी कहता है वी ऑल आर नॉर्मली एबनॉर्मल। हम सब लोग सामान्यतः एबनॉर्मल हैं। वो तो कहता है कि हम सभी न्यूरोटिक है, साइकोटिक नहीं हो सकते लेकिन न्यूरोटिक तो है, और कभी कभी साइकोटिक भी हो जाते हैं। तो वो तो सामान्य स्तर की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर जो है कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि सभी मानस रोग से ग्रस्त हैं। यही विधि सकल जीव जग रोग सभी ग्रस्त हैं।
जो समाधि को प्राप्त नहीं है, जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं कर सका है, वह सब रोगी है। और जैसे असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति करेगा उसका नाम क्या होगा? योगी होगा। आजकल तो योगी नाम के आगे पीछे लगा लेंगे, ऐसे योगी बन जाते हैं। लेकिन महर्षि व्यास केवल जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए, समाधिस्थ व्यक्ति के लिए ही योगी शब्द का प्रयोग करते हैं, और हमारे समूचा साहित्य में उन लोगों के लिए योगी शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे कहते हैं, जाने ते छी जाही कछु पापी, नासन पावहीं जन परितापी, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी यानी कि रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें दोषों का ज्ञान होना चाहिए, रोगों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमें पता चल जाएगा, हम इस बात को मान लेंगे कि हमें में रोग है, मुझ में ये समस्या है, तब फिर जानने मात्र से भी कुछ तो क्षीण हो जाते हैं। दूसरा, जैसे जान जाएंगे और उस दिशा की ओर बढ़ने लगेंगे, उन्हें दूर करने का यत्न करने लगेंगे, प्रयत्न करने लगेंगे, तो उस अवस्था में वो रोग भी दूर होने लग जाएंगे। लेकिन नाश तो नहीं होंगे, पूर्णतः नाश नहीं होंगे। नाश कब होंगे? विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तो बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। तो नाश कब होंगे आगे कहते हैं, बहुत गजब की बात है। और ये जो है कुछ दोहे में ये बातें इन्होंने कंप्लीटली कही है, चौपाई में कही है। राम कृपा ना सही सब रोगा, राम कृपा ना सही सब रोगा, जौ यही भांति बनई संजोगा, सदगुर वैद वचन विश्वास, संजम यहन विषय कैयासा। कहते हैं कि प्रभु की कृपा से, राम का मतलब ईश्वर, प्रभु की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, प्रत्येक संयोग घटित कराने का काम ईश्वर ही करता है। जैसे आप हम में से किसी को भी पता नहीं था कि हमारे माता पिता के रूप रंग क्या होंगे, कैसे होंगे, ना माता पिता को पता था कि हम ऐसे रूप रंग वाले उनके घर पे आने वाले हैं, माँ के कोख से जन्म लेने वाला है, ये सब संयोग है। ऐसे ही आप हम में से किसी को पता नहीं कि अभी थोड़ी देर बाद में क्या होगा, कौन मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा, किस तरह के विचार आएंगे, सारे का सारा संयोग जो है ये सब घटित किसके कारण होते हैं? प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से होते हैं। और यदि ऐसा सुयोग उत्पन्न हो गया, यानी कि जानने का सुयोग उत्पन्न हो गया, सत्संग मिल गया, तो उस अवस्था में सारे के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। यानी कि यदि विद्या मिल जाती है तो उस अवस्था में रोग भी नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ये सांख्य दर्शन के अंदर महर्षि कपिल भी कहते हैं। रिते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे। सदगुरु कौन है? जो संत है। और विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज है। लोग बहुत प्रकार के परहेज की बात करते हैं अलग अलग लोगों से छूटने के लिए, लेकिन काकभूषण जी एक ही परहेज कह रहे हैं कि आप विषयों की आशा न करें, विषय को पाने के लिए दिन रात जो है यत्न न करें, आप विषयों से विमुख होकर के अपने स्वभाव की ओर, अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए यत्न करें। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही। प्रभु की भक्ति ही वस्तुतः संजीवनी जड़ी है, संजीवनी जड़ी प्रभु की भक्ति। और श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि, श्रद्धा सत्य को धारण करने वाली जो बुद्धि है उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। अनुपान कहते हैं जो दवाइयों के साथ ली जाती है,
मधु आदि जो लिए जाते हैं उसको अनुपान कहते हैं आयुर्वेद में। इस प्रकार का सहयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी नहीं हो सकते। यानी कि सत्संग उत्पन्न हो, व्यक्ति के अंदर विवेक उत्पन्न हो जाए, विवेक ख्याति हो जाए, व्यक्ति की अविद्या आदि जो क्लेश है वो पूरी तरह से दग्धबीज हो जाए, तो उस अवस्था में तो मानस रोग नष्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले किसी भी दवाइयों से मानस रोग नष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को निरंतर सत्संग का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कितने गजब की बात कही थी कि सत्संग मिलना ये सबसे बड़ी बात कही थी उन्होंने। संत मिलना सम सुख जगनाई, क्योंकि जो सुख है संतों के मिलन से ही होता है। संतों को देखने से भी संतोष मिलने लगता है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, फिर सुख की प्राप्ति होने लगती है। मित्रों, हम सब भी ये काकभुसुंडी और गरुड़ का जो संवाद है, ये जो 7 प्रश्न और उनका उत्तर है, इनको अपने मन में धारण करके रखें, इनका चिंतन करें और सदा हम सत्संग की ओर उन्मुख बने और अपने अंदर की अविद्या को दूर कर ज्ञान के सूर्य को अपने जीवन में प्रकाशित होने दें। और मन में यह निश्चय करें कि जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आदि व्याधि और उपाधि नष्ट नहीं होंगी। और समाधि की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद सारे नष्ट होंगे, जब हम साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। उसी का नाम समाधि है और उसकी पूरी प्रक्रिया में पीछे के कई एपिसोड में वर्णन कर चुका हूं। सभी लोग उनको सुने, उनको देखें, उनके अनुकूल आचरण करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी निरंतर ज्ञान के उन्नत शिखर की ओर बढ़ते रहें। आप सभी इस जन्म में मुक्त हो। आप सभी का लक्ष्य पूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।